आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, विजय गोयल जी, रामेश्वर चौरसिया जी, आरती जी, वाणी जी, मुखी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, आए हुए सभी पार्षदगण, विधायकगण, बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज एक ज्वलंत विषय पर हम सब लोग यहां एकत्र हुए हैं। भारत के गृह मंत्री और वो राजनीति से प्रेरित वोटों का खेल ध्यान में रखकर देश की भावना के साथ खिलवाड़ करें, ऐसा इससे पहले कभी सुना नहीं गया। जिनके बयान पर सीमा के पार से आतंकवादी संगठन, जिनके बयानों को, जिनके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की का स्वागत करें, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा, भारत के प्रधानमंत्री इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आखिर जिस दिन जयपुर में कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था, चिंतन शिविर, उसी दौरान भारत के गृह मंत्री ने एक भावनाओं से जुड़ा हुआ देश को मजहब के नाम पर आतंकवाद से जोड़कर हिंदू आतंकवाद की संज्ञा देना एक अपराध किया है, अपराध बोध उनको होना चाहिए। देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उस बयान को कांग्रेस के लोग शिंदे का निजी बयान कहकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वो याद रखें, वो भारत के गृह मंत्री के रूप में जो कुछ कह रहे हैं उसको देश के सामने, संसद के सामने माफी मांगे, अपने शब्द वापस ले, वरना हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आज मुख्य मुद्दों से देश का ध्यान हटाना चाहते, 9 वर्ष की असफलता इस सरकार की उसको छुपाना चाहते हैं और घिनौने और एक प्रकार से निम्न स्तरीय बयान देकर अपना मकसद साधना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल आह्वान किया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस से दो दो हाथ करने का समय आ गया है, कांग्रेस से जवाब लेने का समय आ गया है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस सरकार को नेस्तनाबूत न कर दे, जब तक गृह मंत्री को उसके पद से बर्खास्त न कर दिया जाए और जब तक वो देश से अपने इस बयान से वापस ना ले ले और माफी ना मांग ले। मैं इतनी बात कहकर आप सबसे आह्वान करता हूं, इस आंदोलन को गली गली तक लेकर के जाना है, हर जिले में, हर मंडल में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, लोगों के बीच में जाना है और कांग्रेस से जवाब मांगना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।